7050 लीटर के आसपास स्पिरिट की बरामदी खलासी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बिहार में जहरीली शराब का तांडव और इस बीच मद्य निषेध विभाग को मिलती है सूचना और होती है बड़ी कार्रवाई। घात लगाए बैठे मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और पुलिस, और बड़े कंटेनर को पकड़ा गया। जब उसे खोला गया तो मच गया हड़कंप। आखिर हड़कंप क्यों न मचे? छपरा कांड में अब तक 73 की मौत हो चुकी है जहरीली शराब के कारण, और उसी कंटेनर में जहरीली शराब को बरामद किया गया। यानी यूं कहें कि बिहार का सबसे बड़ा कंटेनर में सबसे बड़ी शराब की तादाद पाई गई है, जिससे पुलिस मुख्यालय से लेकर मोतिहारी में हड़कंप मच गया है। सीएम नीतीश का बड़ा बयान अब भी आपको याद दिला दें। उन्होंने कहा था कि बड़े मगरमच्छ को पकड़ना जरूरी है, छोटी मछली से कुछ नहीं होगा, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय पर पड़ा असर और मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई और कंटेनर से पाया गया भारी मात्रा में शराब की खेप। देखिए इस खबर में। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बीच मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के नेतृत्व में मोतिहारी जिला पुलिस द्वारा 7050 लीटर स्प्रिट की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस मुख्यालय के मद्य निषेध इकाई से प्राप्त सूचना के आधार पर SDO अरेराज के नेतृत्व में पहाड़पुर थाना क्षेत्र के मटियामा चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर खड़ी एक ट्रक कंटेनर से स्प्रिट की यह बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस इस ट्रक से जब्त अवैध स्क्रिप्ट का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर अग्रतर अनुसंधान करते हुए इसमें संलिप्त अपराधियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। मोतिहारी अरेराज DSP रंजन कुमार के नेतृत्व में पहाड़पुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। रात्रि को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक कंटेनर पर स्पिरिट लदे होने की संभावना है, जो शायद छपरा के लिए निकला था। वहाँ पर चूंकि सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है, चेकिंग हो रही है, इस वजह से उसे यहाँ के किसी गोडाउन में डंप करने की बात आ रही थी सामने। इस सूचना पर सभी थानाध्यक्ष, सभी SDPO द्वारा लगातार व्यापक रूप से छापामारी अभियान किया गया, जिसमें अरेराज सब डिवीजन के पहाड़पुर थाना में मटियरवा के पास एक कंटेनर अबंडन अवस्था में पाया गया। वहां पहुंचने पर उसे खलासी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ड्राइवर वहाँ पर नहीं था और उसको सुरक्षित थाना परिसर में लाया गया और SOP के हिसाब से फिर उसका ताला आज सुबह तोड़ा गया, तो उसमें 7050 लीटर के आसपास स्पिरिट की बरामदगी। आपको बता दें कि बड़ी शराब की खेप को भी बरामद किया गया। पुलिस ने कंटेनर पर ड्राम में लोड कर रहे 7050 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। स्प्रिट की बाजार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बेतिया पथ पर मटियामा पेट्रोल पंप के पास की पुलिस की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर 20 लाख का स्प्रिट को बरामद किया गया, जो कि जहरीली शराब बताई जा रही है। तो आपने देखा कि मोतिहारी में जिस तरीके से मद्य निषेध विभाग के अधिकारी से लेकर पुलिस विभाग भी सतर्क हो चुकी है जहरीली शराब को लेकर, और लगातार सूचना मिलने पर कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की अब तैयारी शुरू है। यानी यूं कहें कि सीएम नीतीश का असर पुलिस मुख्यालय से लेकर मद्य निषेध विभाग तक का पड़ा, तो कंटेनर से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया।